कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना द्वारा कोविड 19 में लॉकडाउन में जिले के समस्त लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। जिले में बनाए गए समस्त चेक पोस्ट पर मेडिकल टीम द्वारा निरंतर जांच हो रही है व बाहर से आए हुए लोगों की जांच कर 2 सप्ताह तक उन्हें होम क्वारंटाइन किया जाएगा। साथ ही होम क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्यवाही होगी। कलेक्टर सिंगरौली ने ये दिशा निर्देश दिए हैं। सिंगरौली जिले में कोविड 19 महामारी के बचाव एवं रोकथाम हेतु लगातार कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। आज की स्थिति में सिर्फ एक पॉजिटिव केस है, वो भी असिम्प्टोमेटिक है और इससे संबंधित जो भी तैयारियां हैं उसके लिए जिले में कम्युनिटी केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, फीवर क्लिनिक्स बनाए हुए हैं। जिन लोगों को लगता है कि उनके संभावित लक्षण हैं कोरोना के, वो अब प्रदर्शित हो रहे हैं, उनके में निर्धारित जो अपना फीवर क्लिनिक है वहाँ जाकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा सकते हैं। टेस्टिंग की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं। जिले में जितने भी ऐसे रास्ते हैं जो कि जहां से प्रवासी लोग आते हैं, वो रास्तों पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट पर हमारी टीम निरंतर कार्यरत रहती है, वो आने वाले सभी लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है और जो व्यक्ति आते हैं उनको निर्धारित 14 दिवस क्वारंटाइन रहने के निर्देश प्रसारित किए जाते हैं और व्यक्ति घर जाने के उपरांत अगर उन क्वारंटाइन के नियमों का पालन कर रहा है या नहीं, उनके लिए टीमें बनाई गई हैं, वो निरंतर उसका निरीक्षण करती रहती है जिससे कि क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन ना हो। भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हाथ धोना और सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय अपने मास्क का प्रयोग करना। इन सभी जो नियम हैं उनका पालन करना अनिवार्य है। मेरी आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी नियमों का पालन करें जिससे कि हम जो एक कोरोना महामारी है उससे हम निपटने में सफल हों। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट।